हेलो बच्चों, इस पाठ में हम नक्शों मैप से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। भोला और अप्पू एक खेल खेल रहे हैं। भोला ने अप्पू के लिए जमीन पर एक इस तरह का नक्शा बनाया है। वो अप्पू से कुछ गणित की पहेलियां पूछेगा। अप्पू को उन पहेलियों का हल ढूंढना है। फिर अप्पू को हल में ढूंढी संख्या के टाइल तक नक्शे पर चलकर पहुंचना है। भोला की पहली पहेली है, 2 × 2 कितना होगा? बच्चों, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? जी हाँ, 2 × 2 है 4। अप्पू ने भी पहेली का हल ढूंढ लिया। अब अप्पू शुरुआत की टाइल से 4 नंबर की टाइल तक कैसे पहुंचेगा? 4 कदम सीधा, स्ट्रेट चलकर। अप्पू 4 नंबर की टाइल पर पहुंच गया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि त्रिकोण ट्रायंगल के आकार का चित्र अप्पू की दाईं राइट ओर है या बाईं लेफ्ट ओर? बिल्कुल ठीक, त्रिकोण ट्रायंगल के आकार का चित्र अप्पू की दाईं राइट ओर है। भोला की अगली पहेली है, 4 से 7 कदम आगे कौन सी टाइल है? बच्चों, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? 4 में 7 जोड़ कितने हुए? 11। 4 से 7 कदम आगे 11 नंबर की टाइल है। अब अप्पू 4 नंबर की टाइल से 11 नंबर की टाइल तक कैसे पहुंचेगा? अप्पू पहले 2 कदम सीधा चलेगा। अब अप्पू किस दिशा में मुड़ेगा? बिल्कुल ठीक, बाईं लेफ्ट दिशा में। फिर अप्पू और कितने कदम सीधा चलकर 11 नंबर की टाइल पर पहुंच जाएगा? 5 कदम। आइए देखें भोला की अगली पहेली क्या है। अगर तुम 2 कदम आगे चलकर फिर दाएं मुड़कर 1 कदम सीधा चलोगे तो तुम कौन सी टाइल पर पहुंच जाओगे? बच्चों, क्या आप अप्पू की मदद कर सकते हैं? अप्पू किस टाइल पर पहुंचेगा? बिल्कुल सही, अप्पू 14 नंबर की टाइल पर पहुंच जाएगा। 14 नंबर की टाइल के बाईं लेफ्ट ओर 3 आकार के चित्र हैं। क्या आप उनमें से 14 नंबर के सबसे नजदीक वाले नियरेस्ट आकार का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, ये एक वृत्त सर्कल है। आइए देखें भोला की अगली पहेली क्या है। 14 के 2 × 6 कौन सी टाइल है? अप्पू ये पहेली सुन परेशान हो गया। क्या आप अप्पू के लिए इस पहेली को सुलझा सकते हैं? 14 को 2 से गुणा करें तो क्या मिलेगा? 28। अब 28 में से 6 घटाकर हो गए 22। मिल गया अप्पू का उत्तर, 14 के 2 × 6 = 22 नंबर की टाइल है। अप्पू आपकी सहायता से झट से चलकर 22 नंबर की टाइल पर पहुंच गया। अब क्या आप बता सकते हैं कि 22 नंबर की टाइल के किस तरफ आम के पेड़ का चित्र है? जी हाँ, 22 नंबर की टाइल के बाईं लेफ्ट तरफ आम के पेड़ का चित्र है और उस आम के पेड़ के ऊपर ऑन टॉप
कितने आम बनाए हैं? बिल्कुल सही, 6 आम। अब भोला ने अपनी आखिरी पहेली पूछी। यदि तुम 25 को 1 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? बच्चों, क्या आप इस पहेली का उत्तर जानते हैं? किसी भी नंबर को यदि हम 1 से गुणा करें तो उत्तर में उसी नंबर को पाएंगे, इसलिए 25 गुणा 1 होंगे 25। अप्पू ये उत्तर पाते ही दौड़कर 25 नंबर की टाइल पर पहुंच समापन रेखा तक पहुंच गया और खुशी से कूदने लगा। बच्चों, इस पाठ में हमने नक्शों मैप्स से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे।